very important for your home marks question. Definitely in your exam will become as a about a writer message. अब मैसेज आपको कैसे राइट करनी है मैं उनके इस बेसिक फॉर्मेशंस बताता हूँ. सबसे पहले व्हाट यू विल बी नोटिस, यू विल बी नोटिस दैट इफ यू विल बी राइट अ मैसेज सो दैट इज द लिमिट ऑफ वर्ड लिमिटेशन. हियर आई हैव वर्ड लिमिटेशन इज 50 वर्ड. आपका जो मैसेज क्या होता है, मैसेज का जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले आपको जो रिमेंबर्स करनी है वो है आपका वर्ड लिमिटेशन 50 वर्ड मैक्सिमम इज द 50 वर्ड्स बिकॉज ऑफ इट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन. एक एक शॉर्ट में आता है शॉर्ट राइटिंग्स में तो आपको 50 वर्ड्स ज़्यादा राइट्स नहीं करने हैं. एंड व्हेन यू विल बी राइट मैसेज सो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट आई हैव सो इन दिस वीडियो. मैं आपको ये स्टूडियोज में ये दिखाता हूँ. सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते हैं. सो लेट्स सी रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन केयरफुली. आपको ये कन्वर्सेशन पहले देखना है. रोजी हेलो इज इट हियर आई हैव मेंशन द मोबाइल नंबर. अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो हम पूछते हैं कि क्या आप ये हो तो फिर रिप्लाई करते रेहाना यस प्लीज हु इज देयर तो हाँ रेहाना रिप्लाई करती कि हाँ मैं आप हूँ. सो रोजी रिप्लाई आई एम रोजी अ फ्रेंड ऑफ रोमा वेयर इज सी. तब रोजी रिप्लाई करती है कि हाँ मैं रोजी हूँ इनकी रोमा की फ्रेंड. रोमा कहाँ है करके वो आज करती है. रेहाना ओ सॉरी एक्चुअली सी हैज फॉरगेटन हर मोबाइल हियर. वो बताने लगती है कि माफ कीजिए वो अपना मोबाइल यहाँ पे भूल चुकी है. सी हैज गॉन टू द मार्केट कैन आई हेल्प यू प्लीज. आफ्टर दैट सी टोल्ड अबाउट द व्हाट रोमा. रोमा के बारे में कहते हैं कि वो मार्केट जा चुकी है. कैन आई हेल्प यू क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ वो आज करती है. सो रोजी ओ श्योर इन फैक्ट आई वॉन्टेड टू convey her that today's music classes oblique shall be suspended because the teacher is not well. कि बोलती कि हाँ से हो क्योंकि वो यही चाहती है. At least वो कहती है कि convey her that. उनको आप बता देना कि आज क्या जो music classes है वो suspended हो चुका है क्योंकि जो teachers है वो ठीक नहीं है. As a is not well. अब well का मतलब है about a physical problem. तबीयत ठीक ना होना ये चीजें. Instead, it will be held on Sunday. और वो कब होने वाला है? Sunday. So, she should remember it. Could you please pass this message to her? So after that, she want to say something about that. Could you pass this message to her? क्या आप उनको ये मैसेज बता सकते हैं? तो रियाना कहती है, Oh sure, thank you. तो वो उनको reply करती कि क्यों? Thank you. हाँ वो उनको बता देंगे. So रोजी थैंक यू टू आपको भी थैंक यू करती है. नाउ एज द पेशेंट एस रेहाना इज गोइंग टू हर डांस क्लासेस. अब रेहाना कहाँ जाती है? रोमा की डांस क्लासेस जाती है. सी नीड्स टू रिप्रोड्यूस द मैसेज हर रोमा. और वो क्या करना चाहती है? जो उनका मैसेज था रोमा के लिए वो उनको बताना चाहती है. राइट द मैसेज ऑन हर बिहाफ विद एवरी डिटेल्स. अब उसके बाद क्या करना है? उनको मैसेज लिखना है. तो मैसेज का जो फॉर्मेट है वो ये आपका ये है. सबसे फर्स्ट व्हाट यू विल बी रिमेंबर इफ यू विल बी राइट मैसेज. ये याद रखना है कि आप आपको ये तो इससे पहले हमारा क्वेश्चन था. मैसेज का हमारा जो आंसर है वो ये है. तो आपको सबसे पहले जो रिमेंबर्स करना है कि मैसेज में तो वो क्या होता है? एज द सेंटर ऑफ राइट मैसेज. सबसे पहले आपको मैसेज लिखना है वो भी सेंटर पे एंड इन द बोल्ड लेटर. बोल्ड लेटर मीन्स कैपिटल लेटर. आपको मैसेज राइट करना है वो भी कैपिटल लेटर्स में. आफ्टर दैट डेट. अब डेट क्या है? यू विल बी राइट इन टू प्लेसेस. अब सबसे पहले राइट में करते हैं डेट. व्हाट इज द डेट टुडे? 30 जनवरी 2021. आपको 30 जनवरी 2021 कंप्लीट लिखने हैं. अब ऐसा नहीं कि शॉर्ट एज जे ए एन जैन इस तरीके से और नॉट 31/1/2021. ये आपका रॉन्ग फॉर्मेट होता है. आपको मेंशंस क्या करने हैं? कंप्लीट मंथ ऑफ नेम. जो भी नेम है जो भी मंथ का नेम है उसको आपको कंप्लीट लिखने हैं. फिर आपको जो ईयर है उसको फुल राइट करने हैं. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट टाइम. हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? मैसेज. सेकंड वन इज डेट. थर्ड इज द टाइम.
टाइम आप लेफ्ट में भी राइट कर सकते हो और राइट में भी, बट अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई स्टूडेंट सो बेटर फॉर यू इफ यू आर राइट कंप्लीट इन लेफ्ट हैंड। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे राइट करना हो आपके लिए बहुत अच्छी बात है जब आप सीबीएसई स्टूडेंट हो तो, बिकॉज इट इज लुकिंग गुड एंड इट इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर अ चेकअप। जो इन्वेंटर जो चेक करने वाले होते हैं उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। सो सेकंड इज मैंने आपको टाइम बता दिया कि 9:45 AM एट इज द मॉर्निंग टाइम। कम टू द नेक्स्ट वन, अभी तक हमने क्या देखा मैसेज, फिर हमने देखा डेट, नेक्स्ट इज द टाइम एंड नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन कि हम किसको कर रहे हैं, किसके लिए मैसेज कर रहे हैं। सैल्यूटेशन वही होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है डियर रोमा बिकॉज रोमा वर एब्सेंट ऑन दैट टाइम, सी हैव गॉन टू द मार्केट, जो मार्केट जा चुकी थी, तो मैसेज तो रोमा के लिए है तो हम लिखते हैं डियर रोमा। नेक्स्ट इज बॉडी, सैल्यूटेशन हमने देख लिया, फिर हम आते हैं बॉडी में, योर फ्रेंड रोजी फ्रॉम म्यूजिक क्लासेस कॉल्ड इन योर एब्सेंस। अब हम उनको बता रहे हैं ना मैसेज में कि आपकी फ्रेंड कौन थी, रोजी, कहाँ से, म्यूजिक क्लास से, उन्होंने क्या किया है आपके एब्सेंस को बताया है, आपके एब्सेंस में बताया है, सी कॉल्ड मी टू इन्फॉर्म दैट टुडेस म्यूजिक क्लास हैज बीन सस्पेंडेड, कि आज का जो म्यूजिक क्लास था वो आपको, सी कॉल्ड टू इन्फॉर्म दैट, वो आपको इन्फॉर्म करना चाहती थी कि आज की जो म्यूजिक क्लास है वो सस्पेंड हो चुका है, डिले हो चुका है, बिकॉज द टीचर इज नॉट वेल, क्योंकि टीचर का तबीयत ठीक नहीं है, टीचर्स ठीक नहीं है। Instead, it will held on Sunday. ये कब होने वाला है? संडे को होगा। So she wants you to remember it. तो वो तुमको क्या कराना चाहती है? ये याद दिलाना चाहती है। अब हम देखते हैं next है हमारा as the name of sender, कि वो sender भेजने वाला कौन है? Sender कौन थी? Rehana. हमने यहाँ पे पढ़ा ना? Rehana. Rehana ने बताया कि actually she had forgotten her mobile. तो इस चीजों में हम क्या होता है, जो सेंडर एड्रेस होता है, जो सेंडर होता है वो अपना नेम राइट करते हैं। सो इम्पोर्टेंट ऑफ इन दिस फर्स्ट मैसेज इन बोल्ड लेटर, बोल्ड मतलब होता है कैपिटल बोल्ड लेटर, सेकंड वन डेट, थर्ड वन टाइम, फोर्थ इज सैल्यूटेशन, फिफ्थ इज बॉडी एंड सिक्स्थ इज सेंडर नेम। तो ये हमारे 6 पॉइंट होते हैं and it is very important for you. आपको ये 6 पॉइंट याद करने, कि 6 पॉइंट होता क्या है, मैसेज आपको राइट करना है बोल्ड लेटर में, सेकंड होता है आपका डेट, थर्ड होता है आपका टाइम, फोर्थ इज सैल्यूटेशन, फिफ्थ इज द बॉडी एंड सिक्स्थ वन इज नेम ऑफ सेंडर, जो आपको राइट कर रहा है, जो आपको इन्फॉर्म कर रहा है, मैसेज दे रहा है। तो ये आपके मैसेज का फॉर्मेट है, ये आपके लिए वर्ड लिमिटेशन होता है 50, जो कि 4 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए आते हैं। आई होप कि आपको मैसेज फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी आपको इस मैसेज में डाउट्स नहीं होंगे। अगर ये आपको वीडियो इस तरीके से हमारा ये जो मैसेज फॉर्मेशन था, मैसेज फॉर्मेट, वो यहीं पर फिनिश होता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो विद शेयर ऑल्सो। थैंक यू।